हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड सेम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड थर्मोडायनामिक्स यूनिट 4 के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिकल फंक्शंस, और जिसमें हम पढ़ेंगे आज हेल्मोल्ट्ज फ्री एनर्जी, और जिसको हम हेल्मोल्ट्ज फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने स्टडी किया था थर्मोडायनेमिकल फंक्शन पार्ट 1, जिसके अंदर हमने पहला थर्मोडायनेमिकल फंक्शन जिसका नाम एंथैल्पी था, उसको पूरी डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज का जो वीडियो है वो है थर्मोडायनेमिकल फंक्शन पार्ट 2, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सेकंड इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिकल फंक्शन जिसका नाम है हेल्मोल्ट्ज फ्री एनर्जी, और जिसको हम हेल्मोल्ट्ज फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, हेल्मोल्ट्ज फ्री एनर्जी क्या है, हेल्मोल्ट्ज फंक्शन क्या है? ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कभी भी इंक्रीज नहीं होती उस प्रोसेस के दौरान जो आइसोकोरिक हो एंड जो आइसोथर्मल हो। मींस अगर हमारी प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रही है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम हेल्मोल्ट्ज फ्री एनर्जी या हेल्मोल्ट्ज फंक्शन बोलते हैं, ये कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। ये जो फंक्शन है हेल्मोल्ट्ज फंक्शन, ये इक्वल टू जीरो हो सकता है, लेस देन जीरो हो सकता है ड्यूरिंग आइसोकोरिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस, बट कभी भी ग्रेटर देन जीरो नहीं हो सकता। ये आज के इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन हेल्मोल्ट्ज फ्री एनर्जी या फिर हेल्मोल्ट्ज फंक्शन, या डिस्क्राइब हेल्मोल्ट्ज फ्री एनर्जी या हेल्मोल्ट्ज फंक्शन, 3 या 4 मार्क्स का टॉपिक आएगा, तो उसमें आप थ्योरी में इसमें क्या लिख के आएंगे, आइए वो देखते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्मोल्ट्ज फ्री एनर्जी या फिर हेल्मोल्ट्ज फंक्शन आखिरकार है क्या। द हेल्मोल्ट्ज फ्री एनर्जी इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच नेवर इंक्रीजेस ड्यूरिंग अ आइसोथर्मल एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कभी भी नहीं बढ़ती उस प्रोसेस के दौरान जो आइसोथर्मल हो, मींस कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रही हो, एंड आइसोकोरिक हो, मींस कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रही हो, तो ये क्वांटिटी कभी भी इंक्रीज नहीं होगी। इक्वल टू जीरो हो सकती है, लेस देन जीरो हो सकती है, ये हम प्रूव करेंगे मैथमेटिकली। इट इज डिनोटेड बाय एफ एंड इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। यू यहाँ पर इंटरनल एनर्जी है, टी यहाँ पर टेम्परेचर है, एस यहाँ पर एंट्रोपी है, टी कॉन्स्टेंट लेना है आपको यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, अगर सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है थ्रू अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, तो अगर वो जो स्टेट चेंज हो रही है सिस्टम की, अगर वो कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रही है, तो सिस्टम का हेल्मोल्ट्ज फंक्शन कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। वो या तो इक्वल टू जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा, ये हम प्रूव करेंगे आज। लेट अस कंसीडर अ सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग, सो दैट सिस्टम एंड सराउंडिंग बोथ आर एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है, इसके अंदर कोई भी गैस भरी हो सकती है, लिक्विड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई एक सिस्टम है जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है सराउंडिंग के साथ। कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम होता है। तो हम यहाँ पर सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों का टेम्परेचर जो है यहाँ पर टी लेके चल रहे हैं। लेट डी क्यू इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। हम मान लेते हैं कि सिस्टम जो है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी से, टी के ऊपर सराउंडिंग से कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट लेता है, और वो हीट है डी क्यू। ये हीट लेने से क्या होगा, सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ जाएगी। जब भी सिस्टम हीट गेन करता है तो उसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है। सराउंडिंग ने हीट लूज करी है क्योंकि सिस्टम ने सराउंडिंग से ली है हीट, मीन्स सराउंडिंग की हीट कम हुई है, तो उसकी एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज होगी। इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए आगे की मैथमेटिकल एनालिसिस देखेंगे इसका आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आप इस टॉपिक में और क्या ऐड करके आएंगे। लेट गेन इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू डी एस, क्योंकि सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट डी क्यू, तो उसकी एंट्रोपी जो है ऑब्वियस है बढ़े ही बढ़ेगी, और वो गेन इन एंट्रोपी जो सिस्टम गेन करेगा, मींस इंक्रीज जो होगा एंट्रोपी में सिस्टम की, उसको हमने मान लिया डी एस। लॉस इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग
ds dash is equal to minus dq by t. देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि सराउंडिंग ने हीट लूज की है सिस्टम को, इसलिए सराउंडिंग की एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज होगी, सराउंडिंग की एंट्रोपी में लॉस होगा, और वो लॉस हमने मान लिया ds prime या फिर ds dash, जो कि इक्वल टू होगा dq by t, क्योंकि हीट यहां पर लूज हुई है इसलिए माइनस साइन आएगा. और आप जानते हैं चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला जो होता है चेंज इन एंट्रोपी का, दैट इज इक्वल टू dq by t होता है. ये फॉर्मूला आपको टिप्स पर रखना है हमेशा जब भी आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी है. तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी वी हैव, देखिए स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी हमें क्या कहता है कि इस यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो लगातार बढ़ती जा रही है. मींस यहां पर जो गेन इन एंट्रोपी होगा सिस्टम का और जो लॉस इन एंट्रोपी होगा सराउंडिंग का, अगर हम उन दोनों का सम करें तो वो सम हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, कभी भी लेस देन जीरो नहीं होगा. ये हमें कहता है प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी. तो आप लाइन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी वी हैव गेन इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस लॉस इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. सिस्टम ने जितनी एंट्रोपी गेन करी और सराउंडिंग ने जितनी एंट्रोपी लॉस की, उन दोनों का सम जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा. इस चीज का आपने ध्यान रखना है. तो गेन इन एंट्रोपी कितना है ds, और लॉस इन एंट्रोपी कितना है सराउंडिंग के द्वारा, वो है ds प्राइम. तो इन दोनों का सम ds प्लस ds प्राइम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. ds प्राइम की वैल्यू पुट कर दीजिए माइनस dq by t, माइनस dq by t पुट कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. तो एलसीएम लेंगे तो t यहां पर आ जाएगा, तो अगला स्टेप होगा आपका t ds माइनस dq ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. अब स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डिफरेंशियल फॉर्म आप जानते हैं वो क्या होती है, dq is equal to du plus dw. जब भी आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी है तो आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए, एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का रिजल्ट पता होना चाहिए, dq is equal to du plus dw, क्योंकि ऑलमोस्ट हर टॉपिक में ये रिजल्ट्स यूज हो रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको dw को लिख दें pdv, क्योंकि हम जानते हैं dw क्या होता है, p मल्टीप्लाई dv. तो अगले स्टेप में आप लिखेंगे dq is equal to du plus pdv, dw को हमेशा हम pdv लेकर चलते हैं. ये हमारा सेकंड इक्वेशन होगी. तो सेकंड इक्वेशन को अगर हम यहाँ डाल दें फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा, यूजिंग टू इन वन वी गेट टी डी एस माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर डी क्यू की वैल्यू पुट कर दो, डी यू प्लस पी डी वी दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. तो माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा टी डी एस माइनस डी यू माइनस पी डी वी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. तो माइनस पी डी वी को उधर ले जाओ, ये प्लस पी डी वी हो जाएगा. तो अगला स्टेप होगा टी डी एस माइनस डी यू ग्रेटर देन इक्वल टू पी डी वी, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए हम डी कॉमन ले सकते हैं, अंदर से डी बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा टी एस माइनस यू, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसको हम डी के अंदर ले जा सकते हैं. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम डी कॉमन ले लिया, टी टी एस माइनस यू ग्रेटर देन इक्वल टू पी डी वी. तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम कर चुके हैं, इसके आगे की जो एनालिसिस है इस हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर. तो स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हम यहां तक निकाल चुके थे डी ऑफ टी एस माइनस यू ग्रेटर देन इक्वल टू पी डी वी, ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी. टेम्परेचर यहां पर कांस्टेंट था, मींस हमने जो प्रोसेस ली थी वो आइसोथर्मल प्रोसेस ली थी. इफ प्रोसेस इज आइसोकोरिक दैट इज वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर हमारी प्रोसेस आइसोथर्मल होने के साथ साथ टेम्परेचर टी कांस्टेंट होने के साथ साथ आइसोकोरिक प्रोसेस, और आइसोकोरिक प्रोसेस में आप जानते हैं वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होता है, तो चेंज इन वॉल्यूम dv इक्वल टू जीरो हो जाएगा. ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी, हम फोर को थ्री में यूज करेंगे. यूजिंग फोर इन थ्री वी गेट d ऑफ ts माइनस u ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जीरो हो जाएगा, dv यहां पर जीरो पुट कर देना आपने. तो इसको अगर हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, इस चीज को, इस इक्वेशन को अगर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा d, ये टी एस माइनस यू है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यू माइनस टी एस, और इन इक्वालिटी का साइन जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू थी वो हो जाएगी लेस देन इक्वल टू, क्योंकि जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ इन इक्वालिटी केस में, तो इन इक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है, यहाँ पर जीरो आ जाएगा. और यू माइनस टी एस क्या है, यही तो है हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, वेयर एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस. मीन्स डी एफ क्या है, चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, जो कि निकल के आ रही है लेस देन इक्वल टू जीरो. बट कब निकल के आ रही है, जब हमारी प्रोसेस आइसोकोरिक होने के साथ साथ आइसोथर्मल भी है. मींस एफ मींस हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो हमेशा लेस देन इक्वल टू जीरो होती है, मींस जो कभी भी इंक्रीज नहीं होती उस प्रोसेस के दौरान, जो आइसोकोरिक हो और साथ के साथ आइसोथर्मल हो. तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया एक बात हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी की, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन की. अब हम इसे नेक्स्ट सेक्शन में हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को किसी और तरीके से डिफाइन करेंगे, और साथ साथ वो रिलेशन ड्राइव करेंगे जो कि इन्वॉल्व करेंगे इस एफ फंक्शन को.
तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शंस में हमने हेल्महोल्ट्ज फंक्शन या फिर हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का एक फॉर्म देखा। आइए बात करते हैं हेल्महोल्ट्ज फंक्शन एंड हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के दूसरे फॉर्म के बारे में। किसी भी सिस्टम का हेल्महोल्ट्ज फंक्शन हमें क्या बताता है कि हम उस क्लोज थर्मोडायनामिकल सिस्टम से कितना यूजफुल वर्क ऑब्टेन कर सकते हैं एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। यह भी एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है हेल्महोल्ट्ज फंक्शन का। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस फॉर्म को। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा सिस्टम जो कि इस समय स्टेट वन में है, जहां पर इसका हेल्महोल्ट्ज फंक्शन है F1। मान लीजिए ये सिस्टम जो है सेकंड थर्मोडायनामिकल स्टेट में जाता है, जहां पर इसका हेल्महोल्ट्ज फंक्शन हो जाता है F2। तो स्टूडेंट्स, इस स्टेट से फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट में जाने में ये जो कितना यूजफुल वर्क करेगा सिस्टम, मान लीजिए वो सिस्टम W वर्क कर रहा है और ये यूजफुल वर्क जो होगा जो सिस्टम के द्वारा किया जाएगा, दैट विल बी लेस देन इक्वल टू F1 माइनस F2। मींस जो डिक्रीज आएगा हेल्महोल्ट्ज फंक्शन ऑफ द सिस्टम में, दैट विल बी इक्वल टू और ग्रेटर देन W। मींस W जो होगा, हम सिस्टम से कितना यूजफुल वर्क ले सकते हैं, दैट विल बी लेस देन इक्वल टू डिक्रीज इन हेल्महोल्ट्ज फंक्शन ऑफ द सिस्टम। ये भी हम प्रूफ करेंगे मैथमेटिकली। यूजफुल वर्क हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा F1 माइनस F2 के, जब हमारा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। बट एक केस में W जो है दैट विल बी इक्वल टू F1 माइनस F2। किस केस में? जब अगर हमारा प्रोसेस रिवर्सिबल हुआ और साथ के साथ आइसोथर्मल हुआ, तो उस केस में जो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, दैट विल बी इक्वल टू डिक्रीज इन हेल्महोल्ट्ज फंक्शन ऑफ द सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं दूसरी फॉर्म ऑफ हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी क्या है और कैसे आप इस रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। इन थर्मोडायनामिक्स हेल्महोल्ट्ज फंक्शन एफ मेजर द यूजफुल वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ क्लोज थर्मोडायनामिकल सिस्टम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। थर्मोडायनामिक्स के अंदर हेल्महोल्ट्ज फंक्शन हमें क्या बताता है? हेल्महोल्ट्ज फंक्शन हमें ये बताता है कि हम किसी क्लोज थर्मोडायनामिकल सिस्टम से कितना यूजफुल वर्क ले सकते हैं, बट कंडीशंस क्या हैं? कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, आइए इसको प्रूव करते हैं इस रिजल्ट को फ्रॉम इक्वेशन 1। पिछले सेक्शन के अंदर जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, वहां पर हमने क्या ड्राइव किया था? TdS माइनस DQ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं पहले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट, DQ को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा TdS ग्रेटर देन इक्वल टू DQ। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। यहाँ पर भी हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो DQ होता है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम DU प्लस DW। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये। ये सिक्स्थ इक्वेशन है, यहाँ पर DQ की वैल्यू पुट कर दीजिए। यूजिंग 6 in 5 वी गेट TdS ग्रेटर देन इक्वल टू DU प्लस DW। हमने DQ की वैल्यू पुट कर दी। DU को इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा TdS माइनस DU ग्रेटर देन इक्वल टू DW। तो स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? DW को अगर आप इस साइड लिखेंगे तो DW विल बी लेस देन इक्वल टू TdS माइनस DU। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिया, पहले हमारा जीरो वर्क था, यहाँ पर W वर्क होगा। फाइनली लेस देन इक्वल टू टी, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है इसलिए हमने इसको इंटीग्रेशन से बाहर रखा हुआ है। इंटीग्रेशन इनिशियल एंट्रोपी S1 है यहाँ पर, और यहाँ पर फाइनल एंट्रोपी S2 है। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ DU, यहाँ पर इनिशियल एनर्जी स्टेट 1 में U1 है और स्टेट 2 में जो इनिशियल फाइनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, वो U2 है। तो स्टूडेंट्स, W इज लेस देन इक्वल टू DW का इंटीग्रेशन W हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू TdS का इंटीग्रेशन S, यहाँ पर लिमिट्स S1 S2 यहाँ आ जाएगा, माइनस DU का इंटीग्रेशन U1 U2 यहाँ पर आ जाएगा। W लेस देन इक्वल टू TS2, जब लिमिट्स पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो T ब्रैकेट स्टार्ट S2 माइनस S1 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट U2 माइनस U1। तो यहाँ तक हो चुका है, हमने यहाँ तक पहुँचना है, वो हम पहुँचेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हम कहां तक कर चुके थे? यहां तक कर चुके थे W लेस देन इक्वल टू TS2 माइनस S1 माइनस U2 माइनस U1। तो T को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, W लेस देन इक्वल टू TS2 माइनस TS1 माइनस साइन चेंज कर दीजिए U2 प्लस U1। W लेस देन इक्वल टू 1-1 वाली टर्म्स एक तरफ कर लीजिए, जैसे U1 TS1 एक साइड लिख दीजिए, एक ब्रैकेट में U1 माइनस TS1 इसको और इसको हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस साइन कॉमन ले लिया, U2 आ गया माइनस TS2 आ गया। U माइनस TS क्या होता है? F होता है। तो U1 माइनस TS1 क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा। U2 माइनस TS2 क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा। तो W लेस देन इक्वल टू F1 माइनस F2। तो स्टूडेंट, जो हम यूजफुल वर्क ऑब्टेन कर सकते हैं किसी भी क्लोज थर्मोडायनामिकल सिस्टम से, वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फंक्शन के। यहाँ पर जो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है F1 से F2 हो रहा है, क्योंकि जो हम
चेंज निकालते हैं वो F2 माइनस F1 करके निकालते हैं, यहाँ पर F1 माइनस F2 आ रहा है, इसका मतलब हेलमोल्ट्ज फंक्शन जो है सिस्टम का वो डिक्रीज हो रहा है, मीन्स हेलमोल्ट्ज फंक्शन के कॉस्ट पे आपको यहाँ पर वर्क डन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो मीन्स एक प्रकार का जो हेलमोल्ट्ज फंक्शन है वो एक प्रकार की सिस्टम की फ्री एनर्जी है जिससे हम यूजफुल वर्क जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये हेलमोल्ट्ज फंक्शन से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजें ड्राइव करते हैं एफ से रिलेटेड। हेलमोल्ट्ज फ्री एनर्जी एफ इन टर्म्स ऑफ पी वी टी एस, हेलमोल्ट्ज फंक्शन या फिर हेलमोल्ट्ज फ्री एनर्जी एफ को अब हम पी वी टी एंड एस की टर्म्स में ड्राइव करेंगे। हमें पता है एस एस इज इक्वल टू यू माइनस पी एस होता है, तो हम क्या लिखेंगे डी एस इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, एफ का डिफरेंशिएशन डी एफ इज इक्वल टू यू का डिफरेंशिएशन डी यू माइनस, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन का, यू इनटू वी रूल, यू ऐसे ही रहेगा, एस का डिफरेंशिएशन डी एस प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव डी टी, साथ में एस ऐसे ही रहेगा, आप यू वी रूल लगा देंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन का, साइन चेंज करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, डी एफ इज इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अब आप जानते हैं टी डी एस क्या होता है, डी क्यू होता है, कैसे हमें पता है डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी होता है, तो टी डी एस क्या हो जाएगा डी क्यू हो जाएगा, तो आपने इसकी जगह डी क्यू लिख देना है। सो डी एफ विल बी इक्वल टू डी यू माइनस डी क्यू माइनस एस डी टी, ये हमारी सेवंथ इक्वेशन होगी। इसके बाद थोड़ा सा और पार्ट बचा है वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स हम लास्ट सेक्शन में हम सेवंथ इक्वेशन तक निकाल चुके थे, क्या थी सेवंथ इक्वेशन, डी एफ इज इक्वल टू डी यू माइनस डी क्यू माइनस एस डी टी, ये हमारी सेवंथ इक्वेशन थी। यहाँ पर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पता है डी क्यू क्या होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है, और डी डब्ल्यू क्या होता है, पी डी वी होता है। तो नेक्स्ट सेक्शन में आप लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे आप डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ये हमारी एट्थ इक्वेशन होगी। तो डी क्यू की ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आप लाइन लिखेंगे यूजिंग 8 in 7 वी गेट डी एफ इज इक्वल टू डी यू माइनस डी क्यू की वैल्यू डी यू प्लस पी डी वी माइनस एस डी टी, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के, डी एफ इज इक्वल टू डी यू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी, साइन जो है चेंज हो गया, यहाँ पर डी यू से डी यू कैंसिल हो जाएगा, सो डी एफ की जो वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी, ये हमारी नाइन्थ इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स हमने चेंज इन हेलमोल्ट्ज फ्री एनर्जी निकाल लिया है पी वी एस एंड टी के टर्म्स में, मीन्स जो चेंज इन हेलमोल्ट्ज फंक्शन होता है वो चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये जो हेलमोल्ट्ज फंक्शन है एंथैल्पी एंड एंट्रोपी की तरह रिलेटिव टर्म है, हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ नहीं फाइंड कर सकते, हम चेंज इन एफ फाइंड कर सकते हैं। तो चेंज इन एफ आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, आइए इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकालते हैं इस इक्वेशन को यूज करके। पहले हम हेडिंग बनाएंगे फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम जो है कांस्टेंट होता है, तो डी वी जो है वो जीरो हो जाएगा, तो डी वी जीरो पुट कर दीजिए आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए यहाँ पर, सो डी एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस एस डी टी। हमने क्या किया है टेंथ इक्वेशन को नाइन में यूज किया है, यूजिंग 10 in 9 वी गेट डी एफ इज इक्वल टू, ये टर्म जीरो हो जाएगी, डी वी जब जीरो पुट करेंगे इक्वल टू माइनस एस डी टी, इसको आप लिख सकते हैं डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एस, क्योंकि ये प्रोसेस जो है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे कराई गई है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं करली एफ बाई करली टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू माइनस एस, मीन्स जो एफ का चेंज होता है टी के साथ एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वो नेगेटिव ऑफ एंट्रोपी ऑफ सिस्टम के बराबर होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एफ से रिगार्डिंग। तो स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं लास्ट रिजल्ट की, जो कि है सेकेंड पॉइंट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टी कॉन्स्टेंट होता है, तो डी टी जो है वो जीरो हो जाएगा, अगर आप डी टी की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे नाइन्थ इक्वेशन में, तो आपको क्या मिलेगा फ्रॉम नाइन डी एफ इज इक्वल टू माइनस पी डी वी, और यहाँ से डी वी नीचे आ जाएगा, सो डी एफ बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस पी, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर हुआ है प्रोसेस, तो उसको हम लिख सकते हैं करली एफ बाई करली वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर दैट विल बी इक्वल टू माइनस पी। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ हेलमोल्ट्ज फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ प्रेशर ऑफ द सिस्टम। तो स्टूडेंट्स ये हमारा कंप्लीट होता है हेलमोल्ट्ज फ्री एनर्जी एंड हेलमोल्ट्ज फंक्शन। आज हमने ए टू जेड सब कुछ डिस्कस कर लिया हेलमोल्ट्ज फ्री एनर्जी एंड हेलमोल्ट्ज फंक्शन से ऊपर इसके ऊपर, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है अपने सिलेबस के अंदर, इतना ही करना है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा, मिलेंगे नेक्स्ट थर्मोडायनेमिकल फंक्शन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।